करियर इजी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले हम डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायोड का जो भी वर्किंग कुछ पार्ट है वो EDC के आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे कवर किया जाएगा। डायोड एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को डाउट है, वो नहीं समझ पाते कि इस सर्किट के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, इस सर्किट में इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि यहाँ पे आपको बेस्ट वे में चीज़ दी जाएगी और आपको कभी डाउट नहीं आने वाला। फिर भी इन केस यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम हमसे क्लियर करते रहें। सो डायोड के अंदर जो EDC का पार्ट हम कवर नहीं कर रहे यहाँ पे, डायोड का सिंबल जो आपके पास एक नॉर्मल सिंबल है वो ये है, ये पी, ये एन साइड। फिर यदि आपको पता है कि अगर मैं इसको पॉजिटिव से ये और ये वाली साइड नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। इसके डिफरेंट टाइप से इसको बैटरी को अगर मैं अपोजिट लगाता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे पी साइड ये एन साइड, पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव, तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स बायस। दो टाइप की बायसिंग है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डायोड के अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे पास इस तरीके से आपने ग्राफ देखा होगा, ये इस तरीके से ग्राफ रहता है। यहाँ पे ये जो करंट है, दिस इज़ फॉरवर्ड बायसिंग, दिस सेक्शन फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो करंट है, सर्किट के अंदर जो करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज में रहता है जनरली, और जो रिवर्स बायस करंट है वो बहुत ही कम, लाइक माइक्रो एम्पियर की रेंज में रहेगा। तो ये एग्जैक्टली सेम वो पॉइंट नहीं है। जैसे अगर मैं इतना गैप देखता हूँ, अगर ये 10 mA है तो ये इतना पार्ट 10 mA ना हो गए, 10 μA से भी कम है। तो इस स्केल का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास जो डायोड के जो क्वेश्चन जो भी बनेंगे यहाँ इसकी एप्लीकेशन से बनेंगे। सो डायोड का सर्किट्स के अंदर कैसे यूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा कि डायोड के अंदर आपने क्या देखना है, उससे सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। सो ये डायोड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो डायोड को क्लियर करेगा आपका। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना भी एनालॉग हमने कवर किया है वो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेडीजी एस नेपटल ने जो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जो लेक्चर नोट्स दिए हैं वहाँ से, और इसके साथ साथ हमने एक स्टैंडर्ड बुक सैडर स्मिथ, एक आपके पास बुक है सैडर स्मिथ के नाम से, एक बुक आती है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो वो हमने सैडर स्मिथ बुक यहाँ पे फॉलो की है। सारे जितने भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहेंगे स्टैंडर्ड बुक से रहेंगे। आप कोशिश करें, आप भी यदि आपको और प्रैक्टिस जितना चैनल पर कराया जाएगा वो बेस्ट है, बट उसके साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो जहाँ पे भी आप कोचिंग करते हैं या कोई भी आपने नोट्स खरीदे हैं, उसके साथ साथ आप सैडर स्मिथ को फॉलो कर सकते हैं। अनसोल्व न्यूमेरिकल हर चीज़ का आपको आंसर दिया जाएगा, हर तरीके से आपको, आप इसेबल हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें। सो ये एक सर्किट है और हमें इस सर्किट के अंदर यहाँ पे करंट फ्लोइंग, जो भी यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो पूछा गया है। सबसे पहले आपने डायोड के टर्मिनल्स को देखना है, जैसे ये डायोड के टर्मिनल हैं, जहाँ से भी आपको वोल्टेज नज़दीक दिखती है, जो भी वोल्टेज आपको नज़दीक है वो आपने कंसीडर करनी है। जैसे यदि मैं इस टर्मिनल को देखूँ, दिस इज़ एन, दिस इज़ पी, तो अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ तो एन ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ज़ीरो, तो नेगेटिव अगर ज़ीरो मिलता है तो मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कंसीडर कर सकता हूँ। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी ये मत चेक करना कि यहाँ पे 5 वोल्ट है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव हो, बट आप एक बार उसको कंसीडर कर लें, सॉल्व करेंगे सर्किट को, उसके बाद आपने क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक में आपको श्योर हो जाएगा जो आपने अजम्पशन ली क्या वो सही थी या नहीं थी। बस डायोड का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपकी मर्जी है, कि आप इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज ना रहें कि फॉरवर्ड बायस। बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद आपको, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं फॉरवर्ड बायस करूँ रिवर्स बायस करूँ। आप अपनी अजम्पशन मान लो, जहाँ जो भी आपका, जो भी आपको लगता है कि ये हो सकता है, आप वो अजम्पशन मानो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप उसको क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करने से आपको पता चलेगा कि आप सही थे, अगर सही थे तो बेस्ट है, नहीं थे तो उसको रिवर्स कर देंगे। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेने की यार कि मैंने तो ये सोचा था इसका उल्टा हो गया। कई लोग इसको एक रट्टा टाइप बना लेते हैं कि यदि ऐसे है तो फॉरवर्ड बायस ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। कई बार आपने कहीं आप सर्किट सॉल्व करेंगे, अभी हम नेटवर्क में जब करेंगे, तो जैसे कई लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि ये बैटरी है, दो बैटरीज हैं ऐसे,
बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट है, तो आप लोग सोचते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे करंट, ज़रूरी नहीं है कि बैटरी के पॉजिटिव से ही करंट निकले। तो इस टाइप के और डाउट्स जो भी आप कई बार बेसिक्स में बच्चों के या जो स्टूडेंट्स जो तैयार कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये करंट हमने यहाँ से लेना था, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन लें वो अपने आप ही रिवर्स हो जाती है लास्ट टाइम पे। सो डायोड का यदि मैं यहाँ से देखूँ तो मैं आपको बता दूँ, जब डायोड, ये डायोड है, यदि आप इसको फॉरवर्ड बायस, दैट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव देते हैं, अब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसका भी एक मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये डायोड है और यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने नेगेटिव बैटरी दी, मान लो -5 वोल्ट, तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और कई बार डायोड के यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी आपके पास -6 वोल्ट, सपोज़ हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे -6 वोल्ट है। तो रूल के हिसाब से जब आप क्या करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे वीक पड़ जाता है कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। आपने विद रिस्पेक्ट टू देखना है, विद रिस्पेक्ट टू कैसे, यदि ये यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या ये पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, ये कॉन्सेप्ट है, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब वो सिर्फ समझने के लिए है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, इसी सिंपल सर्किट के अंदर जब भी आपके पास रेजिस्टेंस आएगा, जब भी आप अजम्पशन लगाएंगे, ये सिर्फ अजम्पशन के लिए, क्या आप अजम्पशन कैसे लगाएंगे, फर्स्ट रूल क्या है, जो भी डायोड के नज़दीक यदि आपको कोई वोल्टेज सोर्स मिलता है तो वहीं से जज कर लेना। सेकंड क्या है कि यदि उसके अक्रॉस कोई भी रजिस्टर है इस यहीं पे, तो आपने इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप कंसीडर नहीं करना। इसका मतलब ये 5 वोल्ट डायरेक्टली आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि डायोड के अक्रॉस इस साइड पे 0 है, इस साइड पे 5 वोल्ट है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस के अंदर आपको ईडीसी में बताया गया है कि जब भी आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर एक बैटरी की, यदि वो आइडल है तो वो एक शॉर्ट सर्किट जैसे काम करेगा। अभी हम आइडल केस पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास, यदि आपके पास डायोड रिवर्स बायस है, सपोज ऐसे है कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा, तो डायोड जो है ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा। तो यदि फिर मैं इस सर्किट को दोबारा बना लेता हूँ, तो दोबारा बनाने का मतलब है कि मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कंसीडर कर सकता हूँ और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए हम कई बार, जैसे ये अगर मैं ऐसे लाइन लेता हूँ तो हम इसको भी ग्राउंड मानते हैं, या फिर कई लोग इसको ग्राउंड दे देते हैं, या फिर एक ग्राउंड का जो सिंबल है वो ये भी है। तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जनरली मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ अभी, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज हैं, इसलिए मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया। अदरवाइज थोड़ा बीजेटी जब आएगा तो मैं जनरली इस सिंबल का यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे एसी एनालिसिस के अंदर, तो ये बनाना बड़ा मुश्किल, काइंड ऑफ मुश्किल ही है, क्योंकि आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें कम टाइम के अंदर अच्छा काम करना है, किसी भी तरीके से हमें टाइम सेव करना है। पॉइंट ये, चलिए ये 2.5K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज आपके पास +5 वोल्ट है, और यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये बन गया ग्राउंड 0 वोल्ट। तो यहाँ पे एक डायोड था, तो यदि मैं यहाँ से करंट फ्लो कराता हूँ तो वो कितना आ जाएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, 5 - 0 / 2.5K, दैट इज़ 2 mA। सो इस सर्किट में से 2 mA करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डायोड का सर्किट है, जो बेसिक सर्किट है, वो ये है। डायोड की कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है, तो आपने अभी इसको चेक करना है कि ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा या रिवर्स बायस में रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पे है, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल जो है पी साइड जो 0 पोटेंशियल पे है। मैंने आपको बताया था कि डायोड के अक्रॉस आपने जो भी जो आपके पास ड्रॉप रहेगा वो कंसीडर नहीं करना, तो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव साइड है, एन साइड है, वो पी साइड से ज़्यादा पोटेंशियल पे है। इसका मतलब इस डायोड को आप ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। और यदि मैं इस डायोड को ओपन सर्किट कंसीडर करता हूँ, ये सर्किट यहाँ से ब्रेक होता है, तो कोई भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। सो द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट विल बी I = 0 A। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है।
आप डायोड है, डायोड एक ग्राउंड, डायोड की एन साइड ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे इसकी पी साइड आप देख सकते हैं वो -5 वोल्ट से कनेक्ट है। तो सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली ग्राउंड है, तो एन साइड को मैं जीरो कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो -5 जो यहाँ पे है वो डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, -5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पी साइड है वो पी साइड इसकी एन साइड से, जबकि ये 0 वोल्ट पे है, हम सोच सकते थे कि ये रिवर्स बायस होगा, ये सॉरी ये फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट है, लेकिन इसके जो पी साइड है वो इससे भी कम पोटेंशियल पे है। इसी वजह से इस डायोड को हम ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे, तो ओपन सर्किट कंसीडर करने की वजह से यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे आपने सर्किट के अंदर डायोड को कंसीडर करना है। अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएंगे, उसमें आपको और मज़ा आएगा जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डायोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का है। इस टाइप के अंदर क्या है, पहले मैं आपको इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी आप इन वोल्टेजेस को कंसीडर ना करें, यहाँ पे ये वोल्टेज या तो 0 वोल्ट रहेगी या फिर +5 या +3, सपोज +3 हाई लेवल, ऐसे यहाँ पे 0 या फिर हाई, 0 या फिर हाई। तो यदि मैं, और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं मुझे आउटपुट चाहिए, तो आप इस सर्किट को ध्यान से देखें। जैसे यदि आपने इन किसी में से भी एक के ऊपर भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की, अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, हमने सिर्फ इतना कंसीडर किया है कि यहाँ पे यदि मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, तो ये डायोड पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से पी साइड पॉजिटिव, अभी हमें एन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये फॉरवर्ड बायस है। तो इस वजह से इस डायोड को आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज हाई आ जाएगी। यदि किसी एक को भी करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट हाई। अब यदि मैं इन तीनों के अक्रॉस लो वोल्टेज मतलब 0 अप्लाई करता हूँ, तब जाकर ये तीनों के तीन डायोड क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे, तीनों के तीन डायोड ऑफ रहेंगे। और जो भी कई बार सर्किट के अंदर यहाँ पे कुछ वोल्टेज गिवन होती है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ वोल्टेज हो सकती है, तो वो एग्जैक्टली यहाँ आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पास। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं दे रखा, तो वो आपके पास रिवर्स बायस होने की वजह से एक 0 आप कंसीडर कर सकते हैं कि ग्राउंड यहाँ से इसके साथ कनेक्ट रहेगा, ऐसे आउटपुट। लेकिन अब क्वेश्चन, तो इस टाइप के ये एक गेट के जैसे एक्ट करता है। इस जो गेट को है हम और गेट कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक और गेट है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, अब ये इसको इसने क्या किया, एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना के दे दिया उसने, प्लस माइनस ऐसे हाई लो का कुछ नहीं कंसेप्ट डाला उसने। यहाँ से करंट फ्लो पूछा है, 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ऐसे वोल्टेज गिवन है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, जैसी पॉजिटिव वोल्टेज दी उसको फॉरवर्ड बायस, लेकिन तीनों स्विच ऑन है और यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हायर पोटेंशियल जहाँ पे भी डायोड के अक्रॉस पैरेलल में, यदि आपको जहाँ पे भी हायर पोटेंशियल मिले, तो उस डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया। एक टाइम के लिए इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, मैंने इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दिया और मैंने इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दिया। सपोज मैंने आपको बताया कि आप मान सकते हैं, बट जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो यहाँ इस 3 वोल्ट की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, 3 वोल्ट, और वो 3 वोल्ट यहाँ पे भी अपीयर होएगा। यहाँ पे जो डायोड था उसके लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव साइड में 2 वोल्ट था, लेकिन राइट साइड में क्या था, 3 वोल्ट था। तो आपकी जो अजम्पशन थी वो गलत थी, इसका मतलब आपने इसको ओपन सर्किट ही रखना था, सेम इस केस के लिए। अब कई बार एक ये कॉन्सेप्ट है कि आपने 3 वोल्ट ही कंसीडर, जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो कंसीडर करनी है, बाकी सभी रिवर्स में चले जाएंगे। अब सपोज कीजिए मुझे नहीं पता कि हमने फॉरवर्ड करना था 3 को, मैंने 1 वाले को फॉरवर्ड कर दिया, पहले इसको शॉर्ट कर लिया, इसको भी शॉर्ट कर लिया, इसको भी शॉर्ट कर लिया। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखूँ, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, तो इस हिसाब से तो ये भी शॉर्ट हुआ, मतलब यहाँ पर 1 वोल्ट आया, 1 वोल्ट आया, तो ये 1 वोल्ट ट्रू, यहाँ पे 1 वोल्ट, ये भी ट्रू। लेकिन फिर अगर ये फॉरवर्ड बायस होएगा, तो यहाँ 1 वोल्ट इसके कोरस्पॉन्ड 2 वोल्ट शॉर्ट की वजह से, तो वो केवीएल केसीएल को फॉलो नहीं कर पाएगा। सो, जो भी आपके पास हाईएस्ट वोल्टेज है, जैसे 3 वोल्ट था, जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, तो आपने हाईएस्ट वोल्टेज को ही कंसिडर करना है, उसके थ्रू आपने उसको डायोड को शॉर्ट करना है। तो जैसे ही आप डायोड को शॉर्ट करेंगे, तो इन डायोड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, और 3 वोल्ट की जो भी बैटरी, जो भी यहाँ पे पोटेंशियल था, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा नीचे के लिए, ऐसे। तो 3 -0 / 1 के
थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई वन के, दैट इज़ 3 मिली एम्पियर. 3 मिली एम्पियर जो है यहाँ से करंट फ्लो करेगा. सेम कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो सर्किट अवेलेबल है डायोड के साथ जो यूजली बनता है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, वो ये सर्किट है. इस सर्किट को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मुझे आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, कोई रैंडम रेजिस्टेंस आर है और इसके साथ ये ग्राउंड है इधर. सो जब भी आपके पास यहाँ पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई करने हैं, सपोज कीजिए आपने हाई वोल्टेज ली, ये भी हाई ली, ये भी हाई ली, तो नेगेटिव वो हाई दोगे तो ये रिवर्स बायस रहेगा. रिवर्स बायस रहने से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा. यहाँ से यदि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ पे, जो पाँच वोल्ट की जो बैटरी है, सॉरी 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है, वो एग्जैक्टली आपके आउटपुट में अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट, यदि मैं इनके अंदर से, ये मैंने तीनों हाई रखे इधर, यदि मैं तीनों को, तीनों में से किसी एक को भी लो कर देता हूँ, सपोज ये 0 वोल्ट लो वोल्टेज पे आ गया, तो लो होने की वजह से ये एक शॉर्ट के जैसे बिहेव करेगा. शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, यहाँ पे अभी भी हाई है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा यहाँ से इधर के लिए, और यहाँ से इधर के लिए जब करंट फ्लो करेगा तो ये पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो आपके पास आउटपुट 0 वोल्ट आएगी. तो आप देख सकते हैं इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एंड गेट. एंड गेट यदि आपके पास तीनों हाई रहेंगे तभी आपके पास 5 वोल्ट आउटपुट आएगी 111 पे. अदरवाइज़ कोई भी अगर एक 0 इनमें से बन गया तो आपके पास ये शॉर्ट हो गए, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, और जो आपके पास एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा इधर के लिए, तो यहाँ से आपके पास ये 0 0 के साथ ये शॉर्ट हो गया, तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी. अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, यहीं उसने क्या किया है, इसने यहाँ पे कुछ वोल्टेज हमारे पास, यहाँ पे कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया है कि ये पर्टिकुलर वोल्टेज हैं, ये रेजिस्टेंस दे दिया, और यहाँ से जो करंट फ्लोइंग है वो आपको पूछा गया. तो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लोएस्ट, अब देखिए एन साइड को आपने फॉरवर्ड करना है, तो जो लोएस्ट वोल्टेज रहेगी वहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा. तो ये डायोड जो है यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, इसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, और ये दोनों डायोड फिर से क्या रहेंगे, ओपन सर्किट रहेंगे. तो आप देख सकते हैं ये 1 वोल्ट यहाँ कनेक्ट हुआ तो आउटपुट में आपके पास 1 वोल्ट आया, लेकिन इस 1 वोल्ट की वजह से यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 के, दैट इज़ 4 बाय 1 के, 4 मिली एम्पियर. 4 मिली एम्पियर का एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा. तो ये सब जो भी हमने इसके अंदर आपको बताया, ये डायोड के बेसिक सर्किट थे, बहुत ज़्यादा बेसिक सर्किट थे. यदि आप यहाँ कमांड बनाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है. और मैंने आपको पहले भी छोटे दिया कि यदि आप पूरी लेक्चर सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. आप इजीली सभी जो भी ग्रेट गेट प्रीवियस ईयर हैं या फिर जो आने वाला गेट है 2020, वहाँ पे आप एक कंफर्टेबल लेवल फील करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द कैरियर इजी चैनल.